हेलो यूट्यूब फैमिली, न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं हो गई हूँ रेडी, मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के यहाँ फूलपुर। दीदी के बेटे की शादी है तो आज मिठौरी लगेगी, बड़ी जो छोटी छोटी बड़ी होती है शादी में बनाई जाती है, वही बनाने के लिए मैं जा रही हूँ वहाँ पर। तो मैं यहाँ आ गई हूँ, दीदी लोग बैठी हैं मिठौरी लगाने के लिए रेडी। मिठौरी की तैयारी चल रही है, सात लोग एक साथ में लगाएंगी मिठौरी पहले, फिर सभी लोग लगाएंगी। और सात सुहागले बनती हैं, उनके कूच में अनाज डाला जाता है, ऐसे खाली हाथ मिठौरी नहीं लगाते हैं। तो सभी लोग के कूच में दीदी ने डाल दिया, सब लोग लगाने लगे मिठौरी। ऐसे ही लगाई जाती है, ये दाल की मिठौरी है, इसमें चने की दाल है, उड़द की दाल है, मूंग की दाल है और इसमें थोड़ी सी हींग पड़ी है। सादी सिंपल मिठौरी बनाई जाती है, शादी की लगाई जा रही है, बाबू की शादी है उसी की मिठौरी दी जा रही है। दाल पिसवा करके अभी जीजू लेके आए हैं, बापुर गए थे पिसवाने के लिए और अभी आई है। इसकी थोड़ी महीन हो जाती है, घर की पिसी हुई दाल थोड़ी सी मोटी रहती है तो मिठौरी बना चुवाने में थोड़ा आसानी रहती है। इसमें मशीन की पिसी हुई चुवाने में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि ये महीन हो जाती है इसलिए। तो कैसा लगा आज का ये ब्लॉग? अगर आप सभी लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो। अगर आप चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे न्यू न्यू ब्लॉग आप सभी लोगों तक पहुँचते रहें। फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय। पूरे कम वाले रोने के 10 मर गए, 40 मर के निकल आ नहीं आरो मैं नहीं पता कोई को आरो ना मैं आरो ना मैं आरो ना यार यार गुरु तो का मतलब है गुरु है शिक्षा ले ले से गुरु पढ़ा रहा है पढ़ा का।